आज की जो वीडियो है ये है उन लोगों के लिए जो स्वीडन में स्टूडेंट वीज़ा पे है और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि उनको करना क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये जो स्टूडेंट वीज़ा जिनके पास है ऑलरेडी, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। स्टूडेंट वीज़ा जिनके पास है, उनके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और फिर वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, और एक वो लोग हैं जो कंप्लीट नहीं की है लेकिन एक रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पढ़ाई आपने कर ली और फिर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर है कि आप यहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ सिमिलर है उस वीज़े की तरह जैसे जॉब सर्च वीज़ा जो आप बाहर से अप्लाई करते हैं, वर्क वीज़ा या बिजनेस वीज़े के लिए। ये काइंड ऑफ उसी तरीके से, लेकिन इसमें बेनिफिट ये कि आप यहाँ पर रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं स्वीडन में। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है इसकी भी, कि आपके यहाँ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए कि आपने डिग्री कंप्लीट, अपनी जो डिग्री थी, कोर्स था, वो पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया, पास कर लिया है आपने। और आपको शो करना है कि आपके पास जो वीज़ा था वो स्टूडेंट वीज़ा ही था, पहले से पहले आपका कोई और वीज़ा नहीं था। और फिर जब आप अप्लाई कर रहे हैं इस वीज़े के लिए, तो आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं उस टाइम पे, जब यहाँ आप होंगे बगैर किसी जॉब के, बगैर किसी इसके। और लास्ट में आपको इंश्योरेंस चाहिए यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि अब आपको जो वीज़ा मिलेगा वो होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा। अब थोड़ा डीप डाइव इन करते हैं इसके अंदर। पहली चीज़, पासपोर्ट बिल्कुल आपको चाहिए, वही मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, कम से कम 2 साल का पासपोर्ट हो आपके पास, ताकि आपको वीज़ा उसी लिहाज से मिल सके। फिर सेकेंड चीज़, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए कि आपने जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, डिग्री होगी आपके पास, वो आपके होना ज़रूरी है आपके पास, जब जमा कराएंगे। उसके बाद आप शो करेंगे ये आपके पास जो वीज़ा था, मतलब कहने को तो अजीब सी बात है कि उनको शो करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है आपका वीज़ा कौन सा था, लेकिन फिर भी उनको चाहिए कि आप अपना वीज़े की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि आप कब का वीज़ा इशू हुआ था और इस वीज़े पे आप थे, जो कि स्टूडेंट वीज़ा था आपका पहले। फिर उसके बाद आता है कि असल में आपको शो करना है, बताना होता है इसमें कि आपका मोटिव क्या है यहाँ अप्लाई करने का, या तो जॉब सर्च करेंगे या बिजनेस करने जा रहे हैं, या क्या करने जा रहे हैं। तो आप एक्सप्लेन करते हैं कि क्या करना जा रहा हूँ मैं, क्या सोचा है मैंने ना, वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। तो फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है, वो ये आती है कि आपको अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं आप। सपोर्ट से मतलब है भाई कि आप आने वाले महीनों में जितने साल का आपको वीज़ा मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल का, 1.5 साल का, जो भी है, वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं आप। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए उतनी, जो कि आप मेरे दूसरे वीडियोस में देख सकते, सुन सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है उस चीज़ की, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, सबकी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और आखिर में जो है हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास। हेल्थ इंश्योरेंस लोग बोलते हैं क्यों होनी चाहिए, मैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे था, मेरी तो ऑलरेडी फ्री इंश्योरेंस थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जो स्टूडेंट वीज़ा से ख़त्म हो गए, तो ऑफिशियली मतलब आप जो है वो स्वीडिश सिटीज़न नहीं है, स्वीडिश रेजिडेंट नहीं है, सिटीज़न बोल रहा हूँ, रेजिडेंट नहीं है। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए अगर आपका वीज़ा 1 साल से कम का है, इसलिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी वीज़े की। टिप्स एंड ट्रिक्स में ये आता है कि अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप शो करना चाहते हैं कि आप यहाँ जॉब सर्च कर रहे हैं या आप बिज़नेस वीज़ा बिज़नेस सर्च करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी रिसर्च करके आप बता सकते हैं कि मतलब ये मैंने बिज़नेसेस देखे हैं और मैं ये बिज़नेस करूँगा, ये बिज़नेस मैं करने जा रहा हूँ, सोचा है मैंने। या फिर आप शो कर सकते हैं कि भाई ये जॉब्स मार्केट में हैं, मैंने इन इन जॉब्स पे अप्लाई किया है, इन पे इंटरव्यू दिया है, और XYZ जो भी आपने जॉब सर्च के अंदर जो काम किए होंगे, आप वो शो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट या ईमेल्स या जो भी है आपके पास है। उससे जो है वीज़ा ऑफिसर, थोड़ी सी आसानी हो जाती है आपको वीज़ा देने में, कि आप एक सिंसियर
ऑनेस्ट जो है एफर्ट कर रहे हैं। इस वीज़े के बारे में बस इतनी सी है, बहुत मुश्किल वीज़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल वीज़ा है। बस मेक श्योर होना चाहिए कि आपकी डिग्री हो चुकी है, पास कर लिए सारी चीज़ें आपने, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं आप। सेकेंड वीज़ा जो है वो है आपका, जो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है और उनको वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। वो क्या है, उसमें ऐसा है कि जब आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, करने का ऑप्शन आपके पास आ जाता है जब आप जो है स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहे हैं और आपने आपने 30 क्रेडिट्स पूरे कर लिए। 30 क्रेडिट्स का मतलब है कि सिक्स मंथ्स में जो 30 क्रेडिट हो जाते हैं आपके और सारे सब्जेक्ट्स आप पास कर लें तो 30 क्रेडिट हो गए आपके। उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं आप वर्क परमिट अप्लाई करने के। वर्क परमिट अप्लाई करने की कंडीशन ये है कि आपके पास कोई जॉब ऑफर होनी चाहिए, जो आपको जॉब मिल रही हो, वो सारे के सारे क्राइटेरिया पूरे कर रहे हों, तो फिर आपको वो जॉब मिले। उसमें क्या है, सेम वही सारी की सारी सेम वही रिक्वायरमेंट है जो वर्क वीज़ा में होती है। इसमें कि एम्प्लॉयर ने क्या करना है, इंश्योरेंस शो करनी है, सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपके पास यूनियन का वो सारा होना चाहिए, वो सब कुछ जो है मेरे वर्क परमिट वाली जो वीडियो है उसमें है अवेलेबल, आप देख सकते हैं जाके। लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि 30 क्रेडिट्स आपने पूरे किए हों यूनिवर्सिटी से और आपके पास कोई प्रूफ हो इसका कि आपने 30 क्रेडिट्स कर चुके हैं आप, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए। इसमें कोई और रिक्वायरमेंट, खास रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ वर्क परमिट वाली रिक्वायरमेंट है सारी की सारी, और एक एक्स्ट्रा लेटर है जो आपके यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो रिक्वायरमेंट जो है वो है। 30 क्रेडिट ज़रूरी हैं इसके लिए, मिनिमम 30 क्रेडिट, इससे कम नहीं हो सकते, ज़्यादा हो सकते हैं कम नहीं हो सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर कोई जॉब मिल जाती है तो बेस्ट वीज़ा है, इसमें आप इसको अवेल कर सकते हैं आप यहाँ रहते हुए। और अगर आपको कुछ इस वर्क परमिट के बारे में समझ नहीं आ रही है तो आप मेरी वर्क परमिट वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया है, वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफिकेशन हर चीज़ के बारे में। और अगर होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो ये समझ में आई होगी, बहुत छोटी वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि ये इतने मतलब प्रॉब्लमेटिक या इतने पेचीदा किस्म के नहीं है वीज़े, तो ये बहुत ही सिंपल हैं, तो इसको इतना ज़्यादा डिटेल ऑलरेडी मैंने दूसरे वीडियोज़ में बताई हैं, तो मैंने क्या वो चीज़ें जो है कवर कर लेती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो आप तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, अगर किसी को ज़रूरत है किसी के साथ और आपको लगता है किसी को ज़रूरत पड़ेगी इस इंफॉर्मेशन की तो आप वो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरी नई वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, हाफिज़।